हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ ऐसी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो बहुत कॉमन है लेकिन बहुत ही अच्छा है वेट लॉस के लिए और गुड हेल्थ के लिए। तो वो क्या है, टोमेटो सूप। बहुत तरह से आप लोगों ने देखा हो टोमेटो सूप बनाते हुए, बट टोमेटो मैंने जितना भी ट्राई किया सबसे बेस्ट मुझे ये लगा, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। बहुत लोग तो टोमेटो सूप को तो पता नहीं सब्जी बना देते हैं, प्याज भी डाल रहे हैं, पता नहीं क्या क्या डाल रहे हैं। बिल्कुल सिंपल टोमेटो सूप में सूप होना चाहिए जो आप जल्दी से डाइजेस्ट हो जाए और आप मतलब हेवी ना हो। तो आप प्याज और क्या क्या डाल दीजिएगा तो वो तो ऐसे भी हेवी होने वाला है। तो जिस तरीके से मैं बना रही हूँ आप लोग भी उसी तरीके से बनाइए। बहुत ही अच्छा है, बहुत ईजी प्रोसेस है, हेल्दी भी है और खाने में बहुत टेस्टी है। और जो मौसम का जो है ना, आजकल जो बहुत सारे सर्दी खांसी हो रही है उसमें भी रिलीफ मिलेगा। तो चलिए मैं दिखाती हूँ फटाफट, बहुत छोटा सा क्लिप है। टोमेटो प्यूरी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है लहसुन, जिसे मैंने इस तरह कट किया है। अगर आपको लहसुन का फ्लेवर ज़्यादा चाहिए तो उसे प्रेस करके फिर कट करें। और साथ में लिया तेज़पत्ता, बटर, थोड़ी सी चीनी डालूंगी और नमक। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालें। और ये टोमेटो सूप बनाने से पहले मैंने टोमेटो प्यूरी की वीडियो डाली है तो उसे ज़रूर चेकआउट करें। और यहाँ पे मैंने लिया है 1 टेबल स्पून ऑयल, ये रिफाइंड ऑयल है, इसलिए लिया है ताकि बटर जले नहीं। और यहाँ पे मैंने लिया है स्टील की कढ़ाई, उसे फ्लेम पे चढ़ा दिया है। अब ये गर्म हो चुका है तो इसमें डालती हूँ मैं ऑयल। ऑयल डालने का सिर्फ एक ही मकसद है ताकि बटर जले नहीं, इसे मैं अच्छे से फैला दूंगी। और अब मैं डाल दूंगी बटर। बटर जब मेल्ट हो जाए तब इसमें मैं डाल दूंगी पत्रस और लहसुन। लहसुन को बिल्कुल लाल नहीं करना है, ये अपने आप जब टोमेटो उबलेगा तो ये फ्लेवर छोड़ेगा, तो फ्लेवर उसी में आ जाएगा टोमेटो सूप में। तो बस इसे मिक्स करना है और टोमेटो प्यूरी डाल देना है। तो आप यहाँ पे मैं टोमेटो प्यूरी डाल रही हूँ और इसे मिक्स करूँगी। और आप इसे उबलने दें, इतना ही उबालें जितना आपको इसको थिक चाहिए। अगर आपको थिक चाहिए तो थोड़ा ज़्यादा देर उबालें। तो यहाँ पे उबल चुका है प्यूरी और इसे मैं मिक्स करूँगी। अब मैं इसमें डालूँगी नमक, थोड़ा सा चीनी, बिल्कुल थोड़ा, सिर्फ थोड़ा टेस्ट थोड़ा मीठा आ जाए इसलिए डाल रही हूँ। मिक्स करेंगे और इसे थोड़ा देर बॉईल होने देंगे। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल तैयार हो गया है। अब मैं इसे डिश आउट करती हूँ, इसे मैंने निकाल लिया है। अब मैं इसमें डाल दूँगी काली मिर्च, बहुत ही टेस्ट को बढ़ा देता है, इसलिए जब भी टोमेटो सूप बनाएं तो काली मिर्च का यूज़ ज़रूर करें। थोड़ा सा गार्निश के लिए यहाँ पे मैं डाल देती हूँ कोरिएंडर लीफ और ये ब्रेड का टुकड़ा। आप चाहें तो ब्रेड के टुकड़े को हटा सकते हैं। तो आप इस तरह सिंपल भी टोमेटो सूप पी सकते हैं, नहीं अगर धनिया पत्ती नहीं पसंद है तो आप इसी तरह सिंपल पिए। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।